हाँ जी, ये बेटा नई न्यूज है, ये आप लोगों के लिए पेपर टू, पेपर वन और पेपर थ्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बेसिकली पेपर थ्री के लिए और जनरल स्टडीज के अंदर हम लोग करंट जो हमारा जो सेक्शन है प्रीलिम का सेक्शन है उस सेक्शन में ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएगी रामसर साइट्स के लिए। और तीन नई रामसर साइट्स जिनको इंक्लूड किया है इन्होंने, इंडिया हैज रिसेंटली एडेड थ्री न्यू वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। वेटलैंड और रामसर साइट आप लोगों को पता होगा, वेटलैंड मतलब जहां पे पानी खड़ा रहता है, रामसर साइट इसे भी कहते हैं क्योंकि ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुई थी, उस कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड को प्रिजर्व करने का जो आइडिया है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उसको वेटलैंड, रामसर वेटलैंड और रामसर साइट एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है। इंडिया हैज रिसेंटली एडेड थ्री न्यू वेटलैंड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ 85 द न्यू एडिशनल इंक्लूड। ध्यान रखना बेटा, अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि ये 2021 के बाद, कोरोना के बाद, गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ वेटलैंड जो है, नंबर ऑफ वेटलैंड या नंबर ऑफ रामसर साइट्स को इंक्रीज कर दिया। अब इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये कि एक पर्टिकुलर ईयर में देयर इज पॉसिबिलिटी कि 85 रामसर साइट्स में से इसका क्वेश्चन नहीं आएगा कि इन साइट्स में से कौन सी साइट रामसर साइट है। अब ऑब्वियसली 85 साइट्स में से आपको सारी क्लियर याद नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब यूपीएससी जहां पर नंबर बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन कभी नहीं पूछती। ध्यान रखना बेटा, यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगी, रिसेंटली एड कौन सी है, उसकी स्टेट कौन सी है, उसके साथ लगता हुआ कोई भी टाइगर रिजर्व या उसके बाद जो आसपास जो रिजर्व एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। पर 85 साइट्स पूछेंगे ऐसा नहीं है, तीन नई साइट इंक्लूड है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी है, द न्यू एडिशनल इंक्लूड्स नंदरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजोवली बर्ड सेंचुरी एंड तमिलनाडु एंड तवा रिजर्वॉयर मध्य प्रदेश। तवा पहले भी आ चुका है, तो तीन साइट्स हैं, तवा एंड काजोवली बर्ड साइट, उसके बाद नंदराज बर्ड सेंचुरी। नंदराज ये नाटक में होना चाहिए, नंदराज तमिलनाडु में, ठीक है तमिलनाडु में। Whatever the wetlands, wetlands are unique ecosystem where water covers and soil, so it present at or near the surface of the varying periods, creating habitat that support a diverse range of species according to the Ramsar Convention on Wetlands. Wetland can be neutral or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing and can vary from fresh to salty. So fresh water भी हो सकता है, salty भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह कि जहां पर पानी खड़ा होता है, किसी भी तरह से पानी खड़ा है, तो उस कंडीशन में काफी लंबे टाइम तक खड़ा है या खड़ा ही रहता है उस जगह के ऊपर, या पानी वहां पर अवेलेबल कराया गया है, नेचुरल है, कुछ केसेस में आर्टिफिशियल है। जैसे जितने डैम्स होते हैं, डैम के पीछे बनी हुई लेक्स जो है वो आर्टिफिशियल होती है सारी, नेचुरल तो नेचुरल है ही। तो इन सभी साइट्स के लिए हम लोग ये जो टर्म यूज कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्लाइमेट रेगुलेशंस, वेटलैंड प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग क्लाइमेट कंडीशन थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, स्टोरिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स कंपेरेबल टू द रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स एंड दे प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटेट फॉर द वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज। वाटर मैनेजमेंट क्या कहते हैं, दे हेल्प रेगुलेट वाटर साइकल्स, एक्ट एज नेचुरल वाटर प्यूरिफायर्स एंड प्रोवाइड फ्लड कंट्रोल। ऑब्वियसली वाटर मैनेजमेंट होएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेटलैंड सपोर्ट लाइवलीहुड थ्रू एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एग्रीकल्चर, मेकिंग वाइटल फॉर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो उसका मतलब कहीं पर भी पानी पड़ा है कि मछलियां पालेगा, कहीं पर आदमी खेती करेगा, कहीं चावलों के लिए पानी देगा, धान की खेती के लिए कहीं पानी देगा, और उसके साथ साथ जब ये सब कुछ होगा एक जगह के ऊपर, तो बायोडाइवर्सिटी करके बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग तरह के पंछी पेड़ पौधे वहां पर डेवलप होंगे जहां पे वेटलैंड होगी। तो एक बड़ा एडवांटेज ये होता है इसका। वेटलैंड इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन का, वेटलैंड इंडिया कवर अप्रोक्सीमेटली 15.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट 4.63 ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। रीजनल स्प्रेड क्या कहता है, रीजनल स्प्रेड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन दीव, गुजरात हैव द हैवीएस्ट हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ वेटलैंड्स रिलेटिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो नाम से पता चल जाता है लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार होगा, दमन दीव होगा और गुजरात होगा, ये सभी कोस्टल एरियाज के अंदर आते हैं, ये आइलैंड्स हैं और ये कोस्टल एरिया के पास पड़ता है गुजरात। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स का, इंडिया हैज लॉन्च्ड सेवरल पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स इंक्लूडिंग नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1986 एंड नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम।
तो इसके लिए 2015 हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था. व्हाट इज द रामसर साइट अबाउट रामसर कन्वेंशन 1971 एंड इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज डेजिग्नेटेड रामसर साइट व्हिच कंट्रीज आर ऑब्लिज्ड टू मेंटेन द मैनेज सस्टेनेबिलिटी. तो वेटलैंड ने डिस्कस किया कि रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, उसकी वहां पर कन्वेंशन हुई थी. नाम स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज कर दे, रामसर लगता है रामसर ना, लगता है कि इंडियन नाम होगा पर ये ईरानियन. ईरानियन सिटी है जहां पर कन्वेंशन हुई थी. अल्टीमेटली प्रोविजन क्या था कि कन्वेंशन के पीछे प्रोविजन ये था कि हमको सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, उसके साथ साथ इसका हमें जो अपनी जो ट्रेडिशनल साइट्स है उसको बचा के रखना है. अदरवाइज वेस्ट में लोग वेटलैंड भूल जाएंगे और धीरे धीरे एक खास किस्म का इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन, वेटलैंड इज कंसिडर्ड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट क्राइटिकल लाइफ स्टेजेस. ऑफ स्पीशीज प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस ऑफ सपोर्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ फिश एंड वाटर बर्ड्स. तो फिश के ऊपर डिपेंडेंट वाटर बर्ड, पहले फिश डेवलप होंगी फिर वाटर बर्ड डेवलप होंगी, जैसे साइबेरियन क्रेन जो है इंडिया पहुंचते हैं. इसके अलावा अलग अलग जगहों से हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलग अलग जगहों से क्रेन्स और क्रेन्स के साथ जुड़े हुए गीज डक्स है ना, ये इंडिया में पहुंचती हैं, तो इसके लिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. पहले नहीं थी पर बाद बार बर्ड्स की एक नेचुरल एक उनका इंस्टिंक्ट होता है, वो खास एरिया के अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं. जब उनको रास्ता समझ आ जाता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो ट्रांसफर होता जाता है कि वहां जाना है हम लोगों को जब सर्दी आएगी. तो साइबेरिया के अंदर ठंड जब बढ़ जाती है तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इंडिया. तो नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड रामसर साइट टुडे इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया. इंडिया हैज थ्री न्यू रामसर साइट्स. तो नंजराजन बर्ड सेंचुरी है. लोकेशन का सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नयाव रिवर इन तमिलनाडु. द सेंचुरी वाज ओरिजिनली अ वाटर रिजर्वायर फॉर इरिगेशन. तो पहले वाटर रिजर्वायर था, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है लोगों ने बर्ड सेंचुरी में. तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इट हैज इवॉल्वड अ क्रूशियल इकोसिस्टम सपोर्टिंग डाइवर्स बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग द यूरेशियन कूट स्पॉट बिल्ड डक. ये पहले भी आती है स्पॉट बिल्ड डक जो है ये उड़ीसा में आती है और एक बंगाल में आती है कलकत्ता के पास जो साइट है वहां पे. तो बिल्ड डक एंड वेरियस हिरॉन्स इट ऑल्सो अट्रैक्ट माइग्रेटरी बर्ड अलॉन्ग द सेंट्रल एशिया फ्लाईवे. तो जैसे हाईवे थोड़े दिन पहले हम लोगों को याद होगा हम लोगों ने हाईवे और फ्लाईवे यूज किया था. जैसे जमीन के ऊपर हाईवे होते हैं वैसे हमारे स्काई के ऊपर यानी कि ऊपर आसमान में फ्लाईवेज है जिसको बर्ड फॉलो करते हैं स्काईवेज को. So, उसके साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड सपोर्ट लोकल लाइवलीहुड थ्रू फिशिंग. तो जब ये डेवलप होगा तो लाइवलीहुड फिशिंग के साथ साथ डेवलप हो जाएगा. मतलब जहां मछली होंगी वहां पर बर्ड्स पहुंचेंगे. तो ऑब्वियसली वेटलैंड के मुताबिक भी फिशिंग भी शुरू करता है, कारोबार करता है उसका. कुजवेली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल. कुजवेली काजू वेली है लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के इलाके को कोरोमंडल कहते हैं और केरला के एरिया में जो ये बेटा कोरोमंडल है. और इसे कहते हैं मालाबार, केरला के एरिया में मालाबार, सारा नहीं केरला तक ये एरिया मालाबार. आगे फिर कोंकण और बाकी सब शुरू हो जाते हैं. तो इधर कोरोमंडल, ये मालाबार, केरला तक का इलाका मालाबार है. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कोरोमंडल साइड के अंदर. द मिक्स ऑफ सॉल्ट मार्शेस मड फ्लैट्स एंड शैलो वाटर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक ब्लैक हेडेड इबिस and greater flamingo. उनके लिए habitat है. It serves as stop over the migratory birds along the East Asian Australian flyways. Environmental role क्या है, Kajuveli contributes flood control and groundwater recharge maintaining the region water table. Obviously in south के अंदर क्या है कि तमिलनाडु तक आते आते ज्यादातर रिवर जो है सूख जाती है और उसका एक drawback क्या है, एक second.
आज मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, तब एसी में ठंड लग रही थी, इस करके एसी बंद किया। हाँ जी बेटा, तो काजुअली कंट्रीब्यूट फ्लड कंट्रोल साउथ इंडिया में तमिलनाडु की साइड तक आते आते वहां पर वाटर स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी क्यों होती है? क्योंकि जब पूरी इंडिया में बारिश हो रही होती है तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, तमिलनाडु में सिर्फ सर्दियों में बारिश होती है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर सर्दियों में बारिश होगी, मतलब दिसंबर के मंथ में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तब उससे रेनफॉल होता है, रिट्रीटिंग मानसून से, ठीक है। तो तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, इसका मतलब वाटर स्कार्सिटी यहाँ रहेगी, तो उस केस में वहां पे कोई भी रिजर्वायर होगा तो पानी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट से नीचे 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 जाएगा, तो ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाएगा। तो तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश के अंदर है, गेटेड बाय डैमिंग द तावा रिवर, वहां पर रिवर है तावा, वहां पर इसको डेवलप किया गया है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, रिजर्वायर इज मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, प्रोवाइड फॉर इरिगेशन वाटर फ्रॉम द फार्मलैंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल कम्युनिटीज एंड सपोर्ट लोकल फिशरीज। कंक्लूजन क्या कहता है, इन एडिशन टू दीज थ्री न्यू रामसर साइट्स हाइलाइट्स इंडियाज ऑनगोइंग कमिटमेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ इट्स डाइवर्स एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट वेटलैंड। These efforts are crucial for maintaining biodiversity, supporting local economies, and addressing environmental challenges such as climate change and water management.